बिल्कुल मेरे बगल में बैठे हुए और इस मैच के लिए एम्पायर मैदान में उतरे रूपेश सावंत सर जो कि मुलुंड मुंबई से बिलोंग करते हैं और धनंजय कोळी सर जो कि ठाणे से बिलोंग करते हैं। ये दोनों एमसीए पैनल के एम्पायर हैं और सिद्धेश मयेकर जो कि घाटकोपर मुंबई के ये एम्पायर एमसीए पैनल के जो कि तीसरे एम्पायर है इस प्रतियोगिता के लिए। तो खेल की शुरुआत होने जा रही है आज के दिन का ये पहला मुकाबला। हालांकि दिसंबर का ये महीना है 24 दिसंबर आज का दिन, लेकिन जिस तरीके से ठंड होनी चाहिए उस तरीके की कहीं पे भी ठंड नजर नहीं आ रही है, खास करके हमारे महाराष्ट्र में। और जो सैंडी खास करके जो मैदान के इर्द गिर्द देखिए चारों ओर जो हरी भरी घास नजर आ रही है उसके ऊपर कहीं पे भी शबनम नजर नहीं आ रही है। इसके लिए पूरी तरह से सूखा हुआ ये विकेट है। जब जब भी यहाँ पे मुकाबले होते हैं खास करके स्वर्गीय धर्मवीर चषक आदरणीय आयोजक प्रवीण कालूराम म्हात्रे जी जिनकी जानब से इस प्रतियोगिता का आयोजन लगातार ये 23वां वर्ष है, पिछले 22 वर्ष से हम लोग देख रहे हैं सैंडी। जब जब भी ये मौसम होता है जिस तरीके से ये जाड़े का महीना है और 23, 24 और 25 दिसंबर को हमेशा ही शबनम रहती है, लेकिन उस तरीके की ओस उस तरीके की शबनम कहीं पे भी दिखाई नहीं दे रही है। टेनिस क्रिकेट डॉट इन के माध्यम से इस प्रतियोगिता का सीधा प्रसारण यूट्यूब के माध्यम से आप 184 मुल्कों में देख पा रहे हो। इसलिए संतोष नानेकर एंड टीम का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। हमसे जुड़े हुए तमाम क्रिकेट के जो दर्शक आज इस प्रसारण के माध्यम से टेनिस क्रिकेट डॉट इन के माध्यम से हमसे जुड़े हुए उन सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। खेल शुरू होने से पहले एक बात के ऊपर गौर करना चाहूंगा दोनों कैप्टनों के लिए और दोनों तरफ के खिलाड़ियों के लिए। DRS जो है ये सिर्फ आपको रनआउट के लिए हैम्पेयर लेंगे। DRS अगर हैम्पेयर के मन में कोई भी यहाँ पे अगर कोई भी शंका होगी तो DRS सिर्फ हैम्पेयर यहाँ पे लेंगे और उसके अलावा कोई भी यहाँ पे DRS नहीं लिया जाएगा। दोनों टीम के खिलाड़ियों के लिए ये मैं इत्तला देना चाहूँगा। उसी तरह से अगर मैच बराबरी में छूटता है तो सुपर ओवर के जरिए उस मैच का निर्णय यहाँ पे दिया जाएगा। तो खेल की शुरुआत होने जा रही है। विकेटकीपर बिल्कुल विकेट से चिपके हुए दोनों आरंभी बल्लेबाज अपनी पारी का आगाज करने के लिए मैदान के बीच में आए हैं। कृणाल तारेकर और नितेश पाटिल। कृणाल तारेकर हेलो हेलो नीलेश गेंदबाजी करने के लिए तैयार हो रहे हैं। नया ओवर आज सुबह का प्रारंभ करते हुए विकेटकीपर के अलावा एक फ्लाई स्विप एक बैकवर्ड पॉइंट एक कवर एक लॉन्ग ऑफ या ऑफसाइड का क्षेत्र रक्षण। देखिए ये गेंद काफी ज्यादा बाहर की तरफ निकलते हुए और एम्पायर सर इशारा कर रहे वाइट का। बिल्कुल सही निर्णय एम्पायर का, पहली गेंद थी, ठीक तरह से अपने आप को यहां पे तैयार नहीं रखा है गेंदबाज नीलेश ने। उनके सामने है बल्लेबाज कृणाल तारेकर, दाहिने हाथ के ये बल्लेबाज कृणाल। इस बार ये गेंद ऑफ स्टंप के थोड़ी सी बाहर की तरफ निकलती हुई और यहाँ पे पहले से ही मन बना लिया था कि स्क्वायर ऑन खेलना है, पहले से ही घुटना टेका था नीचे और खेलना चाहते थे, स्वीप करना चाहते थे, ऑन साइड में पूरी तरह से चकमा खा गए। लेकिन मैं यहाँ पे निश्चित रूप से नीलेश की तारीफ करना चाहूंगा, ऑफ स्टंप और ऑफ स्टंप के इर्द गिर्द यहाँ पे अपनी गेंद को पिच करा रहे नीलेश। दाहिने हाथ से ओवर द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं, 4-5 कदमों का उनका बॉलिंग रेडअप। इस बार ये उल्टा बल्ला चला है, गेंद हवा में गई है और शॉर्ट फाइन लेग के क्षेत्र ने कोई गलती नहीं की और इस तरीके से यहां पे ये पहला झटका पहुंचा है अर्जुन 11 डाइगर को, उनके आरंभिक बल्लेबाज कृणाल तारेकर जो कि रिवर्स अटेम्प्ट करना चाहते थे और इस बार बल्ला उल्टा चला था, गेंद ऊपरी सिरे से लगी और जो इनफील्ड है उसको पार नहीं कर पाई और शॉर्ट फाइन लेग के क्षेत्र ने एक आसान सा कैच लपक लिया और इस तरीके से ये पहला झटका मिला। रिलीज की नए बल्लेबाज आ रहे हैं बल्लेबाजी करने के लिए मैदान के बीच में, मयूर दातिलकर फड़के पड़ा के
ये खिलाड़ी है, देखते हैं काफी विपरीत परिस्थिति में बल्लेबाजी करने के लिए मैदान के बीच में आए हैं, लेकिन इस तरीके की परिस्थितियां कभी कभार क्रिकेट में आती ही रहती है अपने जीवन में हर क्रिकेट खिलाड़ी के। देखते हैं किस तरीके से यहाँ पे मयूर दातिलकर सामना करते हैं नीलेश के गेंदबाजी का। बहुत ही उमदा गेंदबाजी कर रहे हैं, अच्छी लाइन और दिशा के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं। ऑन साइड में आइए देखते हैं क्षेत्ररक्षण, एक शॉट फाइन लेग जिन्होंने कैच लपक लिया था, एक बैकवर्ड स्क्वेयर लेग, एक शॉर्ट मिड विकेट, एक मिड ऑन और एक डीप मिड विकेट। ये गेंद इस बार हवा में गई थी कवर रीजन में, वहां के क्षेत्ररक्षक के थोड़े से सामने की तरफ गेंद गिरी थी। उन्होंने हालांकि लपकने का निश्चित रूप से प्रयास किया था लेकिन उनके पहुंच के बाहर गेंद, लेकिन उमदा क्षेत्ररक्षण वहां के क्षेत्ररक्षक सूर्यकांत का, जिनकी जितने भी सराहना की जाए उतनी कम है। एक रन से संतुष्ट होना पड़ा दोनों बल्लेबाजों को, कुल स्कोर है 2 रन। टॉस हारने के बाद पहली मर्तबा बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतारा है अर्जुन 11 टाइगर के टीम को नीलेश धानिया से ओवर द विकेट। इस बार नितेश पाटिल है उनके सामने, इस बार नितेश पाटिल ने फ्रंट फुट पे निकलते हुए सीधे बल्ले से गेंद को खेला, वाइड डिश लॉन्ग ऑफ रीजन में अक्षय ने गेंद को फील्ड किया, तब तक 1 रन दौड़कर अर्जित किया। अपने अपने छोर बदले हैं दोनों बल्लेबाजों ने, काफी बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे हैं यहाँ पे गेंदबाज नीलेश, जिनकी जितनी भी सराहना की जाए उतनी कम है। बॉलर अपने बॉलिंग रनअप पे 10-12 कदमों का उनका बॉलिंग रनअप, पैवेलियन छोर से गेंदबाजी कर रहे हैं। इस बार देखिए पहले से ही घुटने के बल पे खेलना चाह रहे थे, ऑन साइड में स्क्वायर ऑन खेलना चाह रहे हैं लगातार, क्योंकि गेंद जो बॉलर गेंदबाजी कर रहे हैं नीलेश, उनकी गेंद की लाइन देखिए ऑफस्टम और ऑफस्टम के इर्द गिर्द, थोड़ी सी ऑफस्टम के बाहर की तरफ गेंद को पिच करा रहे हैं और इसीलिए लगातार स्क्वायर ऑन खेलने का प्रयास कर रहे हैं यहाँ पे बल्लेबाज। इस ओवर की यह अंतिम गेंद नीलेश, इस ओवर में अब तक 3 रन खर्च किए, 1 सफलता प्राप्त की है। इस बार देखिए जब गेंद स्वीप नहीं हुई तो उल्टा बल्ला चलाने का प्रयास किया था, स्विच हिट करने का प्रयास किया था, लेकिन गेंद और बल्ले का संपर्क हो पाया। इस बार बॉलर ने गेंद को थोड़ी सी कम रफ्तार से फेंका, ओवर की समाप्ति हुई सैंडी, 1 ओवर की समाप्ति हुई, काफी सदी हुई गेंदबाजी की है। क्या बोलना चाहोगे इस गेंदबाजी के बारे में नीलेश की? बुद्धिमत्ताचा वापर केला मी म्हणेन प्रदीप, अतिशय नो रूम, नो एक्स्ट्रा रूम, एक्झॅक्टली शपलहून ऑफसाईडच्या बाहेर जेव्हा फलंदाज मयूर दातिलकर येत होता तेव्हा त्याने ऑब्झर्व केला, रीड केला, खऱ्या अर्थाने रीड करतात बॅटर, पण बऱ्याच कमी वेळा पाहायला मिळतं गोलंदाज रीड करतात। लवली यार, सुपर बॉलिंग, मॅग्निफिसंट प्रेस ऑफ बॉलिंग बाय नीलेश। संडे यहाँ पे इतला दी जा रही है कि पिछले वर्ष की उपविजेता जो टीम थी NMPL की, उसमें शिरकत की थी नीलेश ने, जो कि गोठोली गांव की वो टीम थी जिनका नाम यहाँ पे शायद उमेश महाराज को पता होगा, उनके उनके टीम में इन्होंने शिरकत की थी, बहुत ही उमदा गेंदबाजी की थी। जिस तरीके से सैंडी ने यहाँ पे बात छेड़ी है, बिल्कुल सही बात आपने छेड़ी सैंडी, कि विविधता होनी चाहिए हर गेंदबाज ने में, और वही विविधता यहाँ पे अच्छा बुद्धिमत्ता का परिचय दिखाई दिया गेंदबाजी में नीलेश के। नया ओवर प्रारंभ करते हुए दूर वाले छोर से यानी कि गाँव वाले छोर से गेंदबाजी का मुजाहरा संभालने के लिए दूसरा ओवर पावर प्ले का फेंकने के लिए किरण को यहाँ पे तलब किया गया है, जो कि टीम के कप्तान है। इस ओवर को ऑफ ड्राइव किया है, लॉन्ग ऑफ रीजन में गेंद जा रही है, थोड़ा सा वाइडिश लॉन्ग ऑफ यहां पे तैनात किया गया है। 1 रन के साथ दोनों बल्लेबाजों ने अपने अपने छोर यहां पे बदले, कुल स्कोर में वृद्धि हुई है। अर्जुन 11 टाइगर का कुल स्कोर है 1 विकेट के पतन के बाद, अजिंक्य 11 जावली के साथ खेलते हुए टॉस जीतने के बाद पहली बार फील्डिंग करने का निर्णय लिया है अजिंक्य 11 जावली के कैप्टन ने, 4 रन। इस बार ये बहुत अच्छी गेंद थी लेकिन इस गेंद को आड़े बल्ले से खेला है, गेंद जा रही है डीप मिड विकेट रीजन में, उस ओर प्रोटेक्शन है, वहां के क्षेत्ररक्षक ने गेंद को उठाया, थ्रो किया था लेकिन थोड़ा सा विकेट कीपर के कंधे से लगने के बाद गेंद उनके पास में ही गई थी, रन लेने का प्रयास किया गया था लेकिन देखा कि विकेट कीपर दोबारा झपट्टा मार के जा रहे हैं गेंद के ऊपर, अपने बढ़ते हुए कदमों को वापिस खींचा। स्ट्राइक में है अब बल्लेबाज नितेश पाटिल, धान्या से ओवर द विकेट। ये बॉलर की गेंद इस बार स्ट्रोक के लिए जगह बनाई, मिड विकेट के क्षेत्ररक्षक ऑर्थोडॉक्स मिड विकेट में आए, वाइडिश मिड विकेट में आए, 4-5 कदमों की दौड़ लगानी पड़ी उनको, उन्होंने गेंद को रोका, 1 रन से संतुष्ट होना पड़ा। यहाँ पे अगर सोचा जाए तो अजिंक्य जावली के खिलाड़ी चाहेंगे कि इक्का दुक्का रन से अगर स्कोर बोर्ड आगे की तरफ रुक कर रहा है तो उनके मन में कोई भी दबाव या कोई शंका होने की कोई जरूरत नहीं है। काफी अच्छी सदी हुई गेंदबाजी कर रहे हैं यहाँ पे गेंदबाज किरण धान्या से ओवर द विकेट। इस ओवर की ये 4थी गेंद उनके सामने, इस बार मयूर दातिलकर, इस बार बहुत अच्छी गेंद थी, ब्लॉक होल में फेंकी हुई गेंद, एहतियात बरता मयूर दातिलकर ने,
पूरे सीधे बल्ले से खेला था गेंद को, मिड ऑफ रीजन में क्षेत्ररक्षक है, उन्होंने गेंद को रोका लेकिन एक रन से नहीं रोक पाए। इस एक रन के साथ कुल स्कोर में वृद्धि हुई है। अर्जुन 11 टाइगर का कुल स्कोर है इस ओवर की ये चौथी गेंद थी, कुल स्कोर है 7 रन एक विकेट के पतन के बाद। किरण दाहिने ओवर द विकेट, फिर एक बार ये गेंद ओवर पिच गेंद थी, वाइडिश लॉन्ग ऑफ रीजन में खेला, बिल्कुल सरपट गेंद निकल गई थी उस ओर, वहां पे क्षेत्ररक्षक ने गेंद को उठाया अक्षय ने, और इस तरीके से एक रन से संतुष्ट होना पड़ा। क्या जबरदस्त गेंदबाजी कर रहे हैं यहाँ पे किरण, जिनकी जितनी भी सराहना की जाए उतनी कम है, कंधे खोलने का बिल्कुल अवसर नहीं दे रहे यहाँ पे दोनों बल्लेबाजों को। ये परिवर्तक के दौर पे धीमी फेंकी हुई गेंद थी, इनफील्ड के ऊपर से गेंद को खेला है और गेंद जा रही है एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन की तरफ, और ये पहला चौका यहाँ पे तान दिया है बल्लेबाज मयूर दातिलकर ने। इस तरीके से 4 रनों के साथ कुल स्कोर में वृद्धि हुई है, ओवर की समाप्ति हुई है। अर्जुन 11 टाइगर का कुल स्कोर है 12 रन दो ओवरों के समाप्त के बाद, जबकि एक झटका उनको पहुंचा है। सैंडी दो ओवरों की समाप्ति हुए, पावर प्ले के दो ओवर फेंके गए, कुल स्कोर है 12 रन, यानी कि 6 रनों के औसत से यहां पे अर्जुन 11 टाइगर की टीम रन बटोर रही है। क्या बोलना चाहोगे सैंडी, क्या जबरदस्त गेंदबाजी का मुजाहरा। पहिले जे पावर प्ले असतात खऱ्या अर्थाने बॅट्समनचे असतात बॅटरचे असतात, पण इथे पूर्णपणे दमपणाचा ड्यू फॅक्टर मी म्हणणार नाही, परंतु जी नमी आहे हलकीशी हवा समोधन त्याचा पुरेपूर फायदा। गोलंदाजांनी पिच जे चेंडू पिच केलेत त्याला पूर्ण श्रेय जातो, त्याने पाहिलं हालचाली केल्यानंतर डिलिव्हर केलेत, दॅट इज अ सुपरबली बॉलिंग। 12 धावा लागतात, पहिले पावर प्लेच्या अक्षरश बॅटरच्या नावावर लागायला पाहिजे होते बॉलरच्या, यामुळे स्पष्ट झालं की अजिंक्य जावलीने जो निर्णय घेतले प्रदीप ऑन द टॉस अँड फील्ड फर्स्ट परफेक्टली दोन्ही गोलंदाजाने तो खरा ठरवलाय कर्णधाराचा। देखिए निलेश जो की तुर्भे गाव के टीम से शिरकत करते, जय गजानन तुर्भे की तरफ से वे शिरकत करते हैं, और NMPL में उन्होंने टोनी टाइटन की टीम में से क्रिकेट खेला था पिछले वर्ष, बहुत ही बेहतरीन कारगर ये खिलाड़ी, बहुत बहुत शुक्रिया। मल्टी टैलेंटेड हमारे आजीज दोस्त विघ्नेश मडवी ने ये जानकारी हम तक पहुंचाई है, बहुत बहुत शुक्रिया विघ्नेश। ये युवा है विघ्नेश, और हमारे उमेश मात्रे और इनके पास कई सारी जानकारियाँ होती है क्रिकेट की, इसमें कोई दोहराई नहीं है। नया ओवर प्रारंभ करते हुए नीलेश भिल्लारे दाहिना से ओवर द विकेट, इस बार बैक टू बॉलर खेला, अगर सीधा निशाना लगता विकेटों के ऊपर आउट होने का खतरा, और देखते हैं यहां पे ये तीसरे एम्पायर की तरफ गए हैं रुपेश सावंत सर। सीधा थ्रो जब कभी भी क्रिकेट में लगता है विकेटों के ऊपर नजदीकी मामला हो जाता है, देखते हैं क्या कुछ हुआ है। खंगाला जा रहा है तीसरे एम्पायर के जरिए tenniscricket.in के माध्यम से, इस प्रतियोगिता का सीधा प्रसारण 184 मुल्कों में किया जा रहा है। हमसे जुड़े हुए तमाम क्रिकेट के श्रोता जो tenniscricket.in के माध्यम से जुड़े हुए और मैदान के इर्द गिर्द जो भी आज दर्शक माए बाप आए हुए, उन सभी का मैं आदरणीय आयोजक प्रवीण कालूराम मात्रे जी की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए टीवी स्क्रीन में दिखाई दे रहा है स्लो मोशन में, देखिए किस तरीके से गेंद विकेटों के ऊपर लगी थी, और यहाँ पे संतोष नानेकर स्वयं यहाँ पे बैठे हुए, और ये OUT आउट हो गए रन आउट के फलस्वरूप। यहाँ पे बल्लेबाज नितेश पाटिल आउट होके वापस जा रहे, दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति में आउट होके वापस जा रहे। सैंडी एक मरतबा आउट होते हुए बच गए थे, लेकिन इस बार निशाना लगा और आउट हो गए। खरोखरच कौतुक करायला लागेल जावलीच्या संपूर्ण फिल्डरचं, ज्याने सुरेख साथ दिले आतापर्यंत प्रदीप बॉलरला, सटीक ज्याप्रमाणे गोलंदाज बॉलिंग टाकेल ते कर्णधार त्याचा अनुसरून मात्र फिल्डिंग प्लेसमेंट सजवले, दॅट इज अ गुड कॅप्टनशिप बाय किरण, सुपर्ब। और हमारे इस कोपरखेरने गाव के लीजेंड क्रिकेटर और हमारे अजीज दोस्त रविकांत मात्रे सर का यहाँ पे आगमन हुआ है, मैं उनका आप सभी की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूँ। उसी तरीके से आदरणीय 7070 के प्रोपराइटर तारिक भाई सैयद साहब का भी यहाँ पे आगमन हुआ है, मैं आपका भी हार्दिक स्वागत करता हूँ तारिक भाई सैयद। ये आजकल काफ़ी सुर्खियों में उनका नाम 7070 चैनल के प्रोपराइटर है, उद्योगपति है मशहूर, और इस गेंद को पुल कर दिया है और गेंद चली गई डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर, और यह सिक्सर। ये तीसरे एम्पायर की तरफ गए, देखते संतोष नानेकर जी
देखिए ये जो गेंद है ये क्या कमर के ऊंचाई के ऊपर की तरफ आई है, तीसरे एम्पायर के जरिए खंगाला जा रहा है। खंगाला जा रहा है स्लो मोशन के जरिए। तारिक भाई सैयद सर आपका हार्दिक 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 स्वागत करते हैं इस धर्मवीर आनंद दिगे चषक 2023 के इस ऐतिहासिक मुकाबले में, जिसके आयोजक है आदरणीय प्रवीण कालूराम मात्रे सर और कोपरखेरने गांव के उनके तमाम साथी दिखाए जा रहा है। देखिए खंगाला जा रहा है थ्रो मोशन के जरिए आपके टीवी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। तीसरे एम्पायर निर्णय देंगे, प्रतीक्षा की जा रही है निर्णय की। क्या तकनीक है सैंडी, जिस तरीके से अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के मुकाबले में हम लोग देखते हैं उसी तरीके से यहां पे दिखाया जा रहा है। क्या जबरदस्त क्लियरिटी है tenniscricket.in की, इसमें कोई संदेह नहीं है। जितनी भी प्रशंसा संतोष नानेकर और उनके सारे टीम की कीजिए उतनी कम है। चार कैमरे के जरिए इस प्रतियोगिता का सीधा प्रसारण किया जा रहा है और नो बॉल की घोषणा यहां पे की जा रही है। ये नो बॉल है और ये 6 रन की घोषणा कर रहा है एम्पायर, यानी कि ये गेंद जो है अब जो फेंकेंगे गेंदबाज वो फ्री हिट की होगी। आदरणीय 70-70 के प्रोप्राइटर तारिक भाई सैयद जी का यहाँ पे आगमन हुआ है। फिर एक बार आप सभी की तरफ से, आयोजक प्रवीण कालूराम मात्रे जी की तरफ से, हमारे कमेंट्री कक्ष की तरफ से तारिक भाई सैयद सर आपका हार्दिक 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 स्वागत। मशहूर उद्योगपति है तारिक भाई सैयद सर और 70-70 के जरिए आप सब देखते हो कि कितनी बड़ी बड़ी क्रिकेट प्रतियोगिता आती है। जिस तरीके से कल संतोष नानेकर सर भी मेरे से सलाम मशवरा कर रहे थे, उन्होंने भी जमकर तारीफ की है 70-70 चैनल की। यही बड़प्पन होता है, एक चैनल वाला दूसरे चैनल की तारीफ करता है, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। प्रेक्षकांना सूचना आहे जो मैच बॉल आहे तो मैच बॉल मैदानाच्या आतमध्ये पाठवायचा, कोणी आतमध्ये घ्यायचा नाही। जो मैच बॉल आहे तो प्रेक्षकांना द्यायचा आहे मैदानाच्या आतमध्ये, लक्षात घ्या ही सूचना आहे प्रेक्षकांसाठी। तो कुल स्कोर है 19 रन। ये तीसरा ओवर प्रगति पे है, नीलेश गेंदबाजी कर रहे हैं और इस बार देखिए स्लॉग स्वीप कर दिया है, गेंद जा रही है स्क्वायर लेग और मिड विकेट के दरमियान जो लंबा फासला उसके बीच में और ये सिक्सर। आइए डीजे कुल स्कोर है 25 रन। मयूर दातिलकर जिसके लिए जाने जाते हैं उसी अंदाज में अब वो ये बरसते हुए यहाँ पे नजर आ रहे हैं, पूरी तरह से उनकी आंखें यहाँ पे जम चुकी है। पहले उन्होंने यहाँ पे जायजा लिया था विकेट का, विकेटों की तासीर को पहचाना और अब देखिए क्या जबरदस्त यहाँ पे हुक शॉट खेला है। गेंद जा रही है लॉन्ग लेग बाउंड लाइन के बाहर और ये सिक्सर। बहुत ही उमदा बल्लेबाजी कर रहे हैं, बिल्कुल स्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे हैं मयूर दातिलकर। आइए डीजे टाइगर का सैंडी, पिछले 3 गेंदों में 3 सिक्सर यहां पे जड़ दिए मयूर दातिलकर ने। क्या बोलना चाहोगे सैंडी? सुपर बयान था, सकाळी तेच मी म्हटलं होतं का छोट्या छोट्या गोष्टी बारकाईने पाहायला निश्चित मजा येते या खेळाडूंचा। व्यावसायिक क्रिकेट बऱ्याच महाराष्ट्र आणि देशामध्ये विवरण करतात, त्याच्यामध्ये कोणत्या दिशेने कोणते संयम कधी ठेवायचा, कधी चेंडूला मात्र फटकवायचा आणि त्याचा यथोचित समाचार या दाखवल्या फटकेपाडा मयूर दातिलकर, अतिशय दर्जेदार फलंदाजी, सेम टेम्परामेंट। बिल्कुल सही बात आपने छेड़ी सैंडी। इस बार देखिए क्या जबरदस्त यहाँ पे मोरे ने यहाँ पे ये कैच लपक लिया है, यहाँ पे स्विच हिट खेला था और क्या जबरदस्त पावर थी सैंडी। जिस तरीके से अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में हम लोग देखते हैं जिस तरीके से कैच लपका जाता है उसी तरीके कैच यहाँ पे लपक लिया। जितनी भी सराहना यहाँ पे की जाए क्षेत्ररक्षक की उतना कम है
और इस तरीके से ये दूसरा झटका पहुंचा है। मयूर दातिलकर बहुत ही खतरनाक ढंग में यहाँ पे बल्लेबाजी कर रहे थे, उनकी उनको पैवेलियन की राह दिखाई है यहाँ पे गेंदबाज नीलेश ने, और इस तरीके से ये तीसरा झटका पहुंचा है अर्जुन इलेवन डाइगर। सैंडी क्या बोलना चाहोगे इस कैच के बारे में? फलंदाजी मस्त पैकेज सुरेख चाली होती मी म्हणेन प्रदीप, परंतु कोणते शॉर्ट ऑफ चेंडू तिथे तैनात केले, स्विच हिट जर मारला तर कॅप्टन ला पूर्ण श्रेय जाते, कारण वाटलं होतं पिचिंग होती, ओव्हर पिच होती, योग्य निर्णय होता, पण कोण फटके चांगले लगातार तीन षटकांत टाकून धावसंख्या आपल्याला आलेली आहे, कारण मयूर दातुलकरचं तिथे राहणं खूप महत्वाचं होतं। दॅट इज द बेस्ट कॅच, फक्त हाच कॅच झेल होता तो मात्र मयूर दातिलकरला बात करू शकला असता, आणि नेमकं ते झालं बेस्ट कॅच। बिलकुल सँडी, इसके बाद जब पारी की समाप्ति होगी तब टॉस किया जाएगा। परी 11 तलवली बनाम गर्जना 11 कोपर करने, दोनों टीम के संगठनों से मेरी गुजारिश है कि आपके टी शर्ट यहाँ पे मुहैया कराए जाएंगे, आयोजकों की तरफ से आप टी शर्ट लेके जाइए। तो इस तरीके से विकेट का पतन हुआ है, 10 गेंदों में 25 रनों की एक आकर्षक पारी खेली जिसमें 3 सिक्सर और 1 चौका जड़ा था मयूर दातिलकर ने। नीलेश की ये गेंद, इस बार नए बल्लेबाज आए मैदान के बीच में, जयेश पाटिल ऐरोली गांव के ये खिलाड़ी, और क्या जबरदस्त बल्लेबाजी करते हैं ये जयेश पाटिल, अच्छे टच पे चल रहे हैं ये खिलाड़ी, और देखिए ओपन की टीम में इन्होंने जगह बनाई है। सैंडी ऐसे ही कोई ओपन की टीम में जगह नहीं बनाता। कुल स्कोर है 31 रन जबकि 3 विकेटों का पतन हुआ है। इस ओवर की ये गेंद, इस बार हवा में खड़ी हुई है गेंद, मिड विकेट के क्षेत्र से कोई गलती नहीं किया और इस तरीके से यहां पे आउट हो गए बल्लेबाज विलास ने कैच लपक लिया, और इस तरीके से आते आते पैवेलियन की राह यहां पे नाप रहे बल्लेबाज जयेश पाटिल, आउट होके वापस जा रहे पैवेलियन की तरफ, और जैसे ही यहां पे कुल स्कोर है परी 11 का ड्रेस कोड मुहैया कराइए सतीश रावत और अजिंक्य पाटिल, देखिए उनके यहां पे अतिरिक्त खिलाड़ी आए हुए, मेरे आपसे गुजारिश है प्लीज। तो यहां पे ड्रिंक्स ट्रॉली मैदान के बीच में गई है सैंडी, कुछ समय है बातचीत करने के लिए। देखिए काफी धीमी शुरुआत की थी अगर देखा जाए तो अर्जुन 11 डाइगर के टीम ने, लेकिन जैसे ही मयूर दातिलकर की आंखें जमी उन्होंने कई सारे आकर्षक स्ट्रोक यहां पे खेले। 10 गेंदों में उन्होंने 25 रनों की पारी खेली और एक अच्छा स्कोर यहां पे नजर आ रहा है निश्चित रूप से सैंडी। 3 ओवरों की समाप्ति हुई है, कुल स्कोर है 31 रन, क्या बोलना चाहोगे सैंडी? स्कोर पहला तो प्रदीप 31 दाची सरासरी थोड़ा किंचित सवा सरासरी धावसंख्या व्यवस्थे, पण विकेट मात्र पडल्यात ना, ते विकेटचा विचार केला तर थोडासा मात्र निश्चित ही चिंतेची बाब ठरू शकते। यस ओ टू उमेश, चला व्यासपीठावरती ज्यांचं नुकतंच शुभागमन झालेलं आहे 70-70 स्पोर्ट्सचे प्रवर्तक प्रोप्रायटर आदरणीय श्री तारिकभाई सय्यद इथं उपस्थित आहेत आणि त्यांचा शुभ सन्मान या व्यासपीठावरती या स्पर्धेच्या माध्यमातून केला जाईल। आदरणीय श्री तारिक भाई सय्यद 70-70 स्पोर्ट्स से प्रवर्तक प्रणेते प्रोप्रायटर आदरणीय श्री तारिक भाई सय्यद यांचा शुभ सन्मान या व्यासपीठावरती या धर्मवीर चषक 2023 मध्ये आम्ही करतोय। वेलकम सर, सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम। तो जैसे ही यहां पे खेल की शुरुआत हो, चौथा ओवर प्रगति पे हो, सदा बहार क्रिकेट कमेंटेटर इसी गांव के भूमिपुत्र संतोष मात्रे सैंडी आइए आगे का विवरण मराठी में करने के लिए। थैंक्स सो मच अर्जय प्रदीप, चार कड़ी बाद स्कोर पाहिला तर 31 आहे, 12 चेंडूचा खेळ बाकी आहे। आपण पाहतो पर्व 23 दुसरा दिवस धर्मचषक या स्पर्धेचे सर्वे सर्व आदरणीय आयोजक प्रवीणजी कालूराम मात्रे यांच्या वतीने पुन्हा एकदा माझ्या लाडक्या दर्शकांचं सहर्ष स्वागत आहे। पवित्राची देवता गणरायाला वंदन करून माझ्या गुरु आध्यात्मिक गुरु आणि मला एक वेगळी दिशा देणारे श्री निर्मला देवींना नतमस्तक होऊन जाऊया आणि काय घडते 12 चेंडू 12 चेंडू कुठपर्यंत टार्गेट ठेवू शकतो। पहिल्यांदा बॅटिंग करण्याचं निमंत्रण दिल्यानंतर अर्थातच टीम आहे अर्जुन 11 डायगर, चांगली फलंदाजी आपण पाहिली, 10 चेंडू 3 षटका ठोकून आतिषबाजी केलेली होती।
बॉलिंग मार्क पर आपलं पहिलं आणि टीम कडून दुसरं आकाश सकपाल येत आहे आणि समोर खेळण्यासाठी नुकतंच आलेला बॅट्समन आहे विके मुंबईकर. दिवाळीचा हा ब्रँड लाजवाब बॅट्समन आहे, ऑलराऊंडर आहे आणि परफेक्टली आले हा विकी मुंबईकर चौथ्या क्रमांकावर. चांगले स्कूप मैदान बघणं तर त्याचे पल्लू शॉट, त्याचे ते स्लाइस करणारे हुक शॉट पाहण्यासारखे असतात. लाजवाब स्ट्रोक खाली जागा, हे आहे दिवाळीचा ब्रँड. व्हॉट अ लवली लॉप ओव्हर द लॉंग ऑफ ऍट द मॅक्सिमम छेरन नो बॉल आणि षटकार. सुपर्ब स्ट्रोक बाय विके छेरन. डीजे गाडी पाहिजे. मग पाहिलं होतं मयूर दातेलकर फडके पाडा गावाचं नाव रोशन करणारे खेळाडू अवल्ले असतात. सुपर्ब स्ट्रोक आहे, हपवल्यावर घेत ड्रॉ लॉप केला जाता लॉंग ऑफच्या डोक्यावरून. जोरदार स्वागत आकाश सकपाल. ओ लिडिंग एज फ्री हिट आहे, फलंदाज बाद नाहीये. पुरेपूर फायदा घेतला होता परंतु दुर्दैव म्हणाला की बॉलर आकाश सकपाल थोडी चूक झाली कारण नो बॉल टाकला आणि नो बॉल होती विकेट. पण आंतरराष्ट्रीय नियम असं सांगतं फक्त नो बॉलला रनआउट. चांगला खेळ, अतिशय दर्जेदार खेळ. वय आपला पाहिलं तर कमी वयामध्ये ज्याने क्रिकेटमध्ये एक वेगळं चैतन्य दिलं, एक वेगळं व्यासपीठ आणि वेगवेगळ्या मध्ये प्रयोग करून अतिशय प्रेक्षकांची जो व्यावसायिक आयोजक आहे त्यांनी खूप नाव कमावलंय. आदरणीय प्रवीण जकालवर मात्र जे प्रमुख आयोजक आहेत आणि त्यांच्याच नेतृत्वाखाली चाललेलं आहे धर्मवीर चषक बरोबर 23 खेळीत आहे मॅच. ओपन खुळ्या गटातील आहे पहिली. अजिंक्य जावळी वर्चेस अर्जुन इलेव्हन डायगर. टॉस जिंकली अजिंक्य जावळी, कॅप्टन किरण इचू द बॉल फर्स्ट. त्याच्यानंतर आमंत्र मिळानंतर दोन धक्के कंजूशी केली, 12 चेंडूमध्ये फक्त 12 धावा. त्याच्यानंतर मयूर दातेलकेचा तो शो चालू झाला आणि धावसंख्येला आकार. फटका चांगला आहे ओर द पॉइंट, पॉईंट खबरच्या ठिकाणी मात्र बॅकवर्ड पॉईंटच्या ठिकाणी जोपर्यंत क्षेत्रक्षेत्र जाईल फील करेल. आरामात मात्र सिंगल घेतली, सिंगल स्कोर पुढे जातोय. पहिल्यांदा बॅटिंग करताना पहिली इनिंग दुसरा दिवस स्कोर पोचले 40 3.3 ओव्हरची समाप्ती. आकार देण्याचा प्रयत्न आहे हा. जर शेवटच्या ओव्हरपर्यंत राहतो ना अर्जय प्रदीप विकी मुंबईकर तर स्कोर 65-70 खेचण्याची क्षमता राखतो. उंची चांगली दिली प्रॉपरली डावख्या हाताने गोलंदाजी, डावख्या हाताने बॅटर. द्या द गुड जुनियर ऑलराऊंडर ऑफ द निबी मुंबई. क्लास चांगला आहे फलंदाजाकडे. चूज द परफेक्टली डिलिव्हरी टू हिट अँड मॅक्सिमम ओवर द बाउंड्री. सुपर बॉलिंग यार. ऑफ साईड ऑफ द पिचिंग जरा थोडंसं स्लाइटली हवेचा हलकासा फायदा घेतला आणि त्याला मूव्ह केलं. बिट द बॅट्समॅन, मिस अलाइनमेंट नॉट प्रॉपरली अँड बॉल वेंट टू द गॅदर व्हेरी वेल बियॉन्ड द स्टंप विकेट कीपर डॉट. 4 चेंडू आतापर्यंत आकाश सकपाल याने 8 धावा. षटकारने जोरदार स्वागत केलं, त्याच्यानंतर पाहिलं बॉडी लँग्वेज काय विचार आहेत बॅट्समनचे ते ओळखले. ही ओळख पटकणं बॉलरसाठी खूप महत्त्वाचं. वन्स अगेन टू टाके एंड बुली मार आकाश सकपाल. फोर लेनचा जो बॅट चिकडा, व्हेरी बॅड फिल्डिंग ऑफ द शॉर्ट थर्ड मॅन. चेंडू दन दन करी फरा चारन. 4 धावा अतिशय मधव. सौभाग्य मात्र साथीला विकीचे. सो मच डीजे. वन्स अगेन टू द विके. व्हेरी गुड बॉलिंग ऑफ साईड ऑफ स्टंप करण्यापर्यंत चेंडूला दिशा दिली. बॅटचा हलकासा चेहरा दाखवला आणि त्याला ढकलून दिलं कवर पॉईंट विजन एरियाला. गुड फिल्डिंग इज देअर. वन सिंगल टू द विके. नाव स्कोटर मूव ऑन द एक्झॅक्टली स्कोर बोर्ड ऑफ 45 45-4 स्कोर आहे. ओरची आहे चालू मैदानामध्ये चौथ्या आणि ते टाकण्यासाठी आकाश सकपाल फ्रॉम अजिंक्य जावली. दर्जेदार क्रिकेट tenniscricket.in चे सर्व संतोषजी नाणेकर यांच्याकडे वेबसाईटवर जे प्रेक्षक जुळत आहेत
त्यांचे ही मनपूर्वक स्वागत आहे या स्पर्धेमध्ये। बोली क्रमांक चौथा ओवर आहे, समोर निलेश पाटील, नितेश पाटील, ग्रेट शॉट, व्हाट अ शॉट, परंतु एलिमिनेशन नो एक्झिक्युटिव्ह प्रॉपरली, एक्झॅक्टली डीप एक्स्ट्रा कवर, सीपर एक्स्ट्रा कवरला शत्रक्षण दर्जेदार, आणि नितेशची खेळी मात्र एक वर समाप्त, ही बॅक इन टू द डगआउट। काय मत असेल धाव संख्येला, निश्चित चार पण मी म्हणेन, पण तुझा विचार काय आहे सहावा शेवटच्या सहा बॉल आहेत? मेरे को तो लग रहा है सैंडी की कम से कम 65 रन तक तो यहाँ पे रन मुकम्मल करने ही होंगे, क्योंकि ये 360 मैदान है और हमने कल से यहाँ पे देखा है, और जब कभी भी यहाँ पे क्रिकेट कमेंट्री के लिए आते हैं सैंडी, तब तक देखा गया है कि इतने बड़े मैदान में इतना जो स्कोर है ये डिपेंड नहीं होता है। तो देखते हैं किस तरह की गेंदबाज ये बाद में अर्जुन 11 डाइगर की टीम करती है, इसके ऊपर बहुत कुछ निर्भर होगा। और यहाँ पे गेंदबाजी का एनालिसिस अगर देखा जाए सैंडी, तो नीलेश ने पहला और तीसरा ओवर फेंका था, यानी कि दो ओवर गेंदबाजी की जिसमें उन्होंने 21 रन खर्च किए और एक सफलता प्राप्त किए। दूसरा एक ओवर किरण ने फेंका जिसमें उन्होंने 9 रन खर्च किए, कोई भी सफलता प्राप्त नहीं की। और चौथा ओवर यहाँ पे फेंका था आकाश सकपाल ने जिसमें उन्होंने 14 रन खर्च किए और एक सफलता प्राप्त की है। सैंडी कुल स्कोर है 45 रन और विकेटों का पतन हुआ है 5। यस, शेवटचे 6 चेंडू धावा काढावे लागतील। स्ट्रोक लाजवाब हा ब्रँड आहे, हा क्लास आहे। व्हाट अ शॉट, ओवर द आर्म, जस्ट लाइक द सौरभ गांगुली स्टाइलिक अप ड्राइव लेफ्ट हिट। काय म्हणतात होत्या, व्हेरी हार्ड हिटर, ग्रेट शॉट यार, साने धाव संख्या फुलवली विकीने। ओ मिस्टर मेंग स्टोक्स फेअर लेग वरून दूरवन शत्रक्षण परंतु पोहोचच्या बाहेर, दुपर्यंत टप्पा जाईल नोलँड मध्ये भाग मेकम बाग, हो हो व्हेरी क्लोज, अँड राफेल गोज टू वन सेकंड टू थर्ड अंपायर। थर्ड अंपायर साठी मागणी केली मैदानामधील अंपायरने, काय घडले नाही की व्हेरी क्लोज, निश्चित स्पष्ट झाले का हा पक्षात कोणत्या, तो परत थोडतास थांबूया, काय टेक्नॉलॉजी आहे। पहिल्यांदा 1992 अगोदर इथं ये नव्हते राफेल, 1992 मग राफेल आली आणि तिथे मात्र वेगवेगळे जे मैदानाचे अंपायर आहेत त्यामध्ये काम खूप सोपं झालंय। परी 11 तलवली जो 2020 चॅम्पियन आहे, ही रायगडची साईड केली होती 2020 साली चॅम्पियन सुद्धा, त्याच्याबरोबर गर्जना कोपर खेळणे, दोन कॅप्टनला माझी नम्रतेची विनंती आहे, एक टॉससाठी या, एक इनिंग ब्रेकनंतर जसे हा ओवर संपेल, हे इनिंग संपेल, सन्मानाने आपण यायचं टॉससाठी। परी 11 तलवली आणि गर्जना कोपर खेळणे, व्हेरी स्ट्रॉंग साईट ऑफ द रायगड, बट त्याच्यामध्ये डायस यासारखा, त्याच्यानंतर मोठ्या बऱ्याचसे खेळाडू पाहायला मिळतील, त्याच्यानंतर मुरबीचा समर डायस द डिक्लेअर द प्लेअर ऑफ द सिरीज, 2000 हिरो होता, त्यांच्यामध्ये जर असलं तर मजा येईल मॅचला, अजूनही तो स्कॉड आणि तो संघ येईल, परंतु तुर्तास खेळ थांबलाय। पहिल्याच षटकाराने दिली होते आणि इथे मागणी केले बॅट्समॅन आउट, ओ 80 अपेक्षा होती स्ट्राईक अबाधित राखण्यासाठी, थोडीशी मात्र चूक मी म्हणणार नाही, तसं करणं स्वाभाविक होतं कारण जेवढं सेटल बॅट्समॅन होता, जाताना आपलं काम मात्र अधुरं सोडलं मेन। शेवटच्या चेंडूमध्ये भिके थांबला असता अजूनही धावसंख्येला तो गती देऊ शकला असं प्रदीप। बिल्कुल सैंडी, अगर आपको स्कोर मुकम्मल करना है तो थोड़ा सा जोखिम तो उठाना पड़ता है, उस तरीके का जोखिम यहाँ के पे विकी मुंबईकर ने दूसरा रन लेने का प्रयास किया था लेकिन अपने पॉपिन क्रीज में पहुंच नहीं पाए और आउट होकर वापस जा रहे हैं पहलवान की तरफ। कुल स्कोर है 52 रन, 6 विकेटों का पतन हुआ है, अभी भी 4 गेंदे आनी शेष है, अंतिम ओवर प्रगति पे है इस पारी का। नवीन फलंदाज बैटर इन केले 7व्या क्रमांकावर, ओम अमलेश, अमलेश ऑन स्ट्राईक, नवीन चेहरा आणि त्याच्यासमोर बोलिंग टाकण्यासाठी जावली अजिंक्य जावली कोण अखल विका विलास सकपाल, बोलिंग मार्कवर राईट अँड रॉन द विकेट,
शॉर्ट ऑन पेनचा चेंडू होता, दिशा दिली, कट त्याला टर्न केलं, जो मिस फिल्डिंग फबलिंग झाले त्याचा पुरेपूर फायदा घेतला, कन्वर्ट दोन मध्ये रूपांतर केला. ही चालाकी असते, हलकीशी जरी चूक केलं तर मैदानात त्याला सोडणार नाही. खेळपट्टीवर पळवणारे रनिंग बिटवीन द विकेट चांगली होती अमलेश आणि त्याच्या बरोबर पळताना फलंदाज आहे अमर माने, चर्चित नाव आहे, कोपरखेडला बिलॉंग करतो. ग्रेट शॉट ऑन द राइज, टक 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 इन टू द फैंस. चरण डीजे इतना दूसरों के काम पे उठता है, अब देख अपन देख छोटा चाहता है. कलाकारांची हे मेहनती घेणाऱ्या कलाकारांचे हे गुण आहेत. धावसंख्या 60 वर पोहोचवली, 3 आणखीन एक दर्जेदार फटका. वा बाय वा. शेवटचा चेंडू काय स्लॉगिंग हाणा मारी आहे, प्रॉपरली बॅटिंग अमलेश. अनदर बॅक टू बॅक 3-6, सुपर बॅटिंग यार. जी अपेक्षा केली होती मैदानावरती का हा 70 पर्यंत येईल, जी खरेखर भूमिका निभावणार होता विकी मुंबईकर, त्याचा अधुरा काम पूर्ण केलं अमलेशने. क्लास क्रिकेटची दर्जेदार टोळेजंग फटकेबाजी, म्हणे जिंकले. कमी चेंडू मध्ये काय खेळ केलाय विकी परत होता चौथ्या दुसऱ्या चेंडूवर. 4 चेंडू मध्ये पुरेपूर वसपा काढला अमलेशने आणि अर्जुन 11 टायगरला समाधान स्कोर मध्ये पोहोचवलं. 5-6 गडी बाद स्कोर आहे पहिल्या इनिंगच्या समाप्तीनंतर 72, टार्गेट सेट केलं 73. सँडी अच्छी जानकारी दिए आदरणीय उद्योगपति श्रीमान सूरज जी राणा सर ने. यहाँ पे जो परी 11 की जो साइड है उसमें ये जो सिल्वर स्टार की साइड इसमें शिरकत कर रही है और इसके जो प्रोप्राइटर है इसके पैकर्स है तारिक भाई सैयद सर. तो टॉस करेंगे हमारे अजीज दोस्त विघ्नेश मडवी मैदान के बीच में. बहुत बहुत शुक्रिया आदरणीय सूरज जी राणा सर ये जानकारी हम तक पहुँचाने के लिए. थँक यू व्हेरी मच. चला आजच्या दिवसातली दुसरा सामना आपल्या समोर रंगला जातोय. आदरणीय विचारे साहेब यांच्या शुभ हस्ते हा टॉस केला जाईल. परी 11 तळली वर्सेस गर्जना 11 कोपरखेडे दोन्ही टीमचे कॅप्टन विचारे साहेब आणि जाधव साहेब यांच्या शुभ हस्ते टॉस केला जाईल. आपण मैदानाच्या आतमध्ये जाणार आहोत. तर मान्यवरांच्या शुभ हस्ते टॉस केला जाईल. परी 11 तळोली वर्सेस गर्जना 11 कोपरखेडे. आमच्या सोबत दोन्ही कॅप्टन उपस्थित आहेत. परी 11 तळोली टीमचे कॅप्टन सूरज केणे मॅन फ्रॉम गुरसई आणि त्याचबरोबर गर्जना 11 कोपरखेडे टीमचा कॅप्टन मयूर पन्हाळकर. 32 शिराळा परिसरातील एक नामचीन खेळाडू आहे आणि साहेबांच्या शुभ हस्ते टॉस देखील केला जाईल. कॉल करतील या सूरज केणी कॉल करतील. सिल्वर स्टार परी 11 एड टेल्स कॉल केला होता हेडाला आणि टॉस जिंकलाय गर्जना 11 कोपरखेडे टीम. काय निर्णय असेल गोलंदाजी मयूर
आपला सातारा परिसर असेल, 32 शिराळा परिसर असेल, सांगली परिसर असेल, हे संपूर्ण क्रिकेट गाजवले आहेत. नवी मुंबई टेनिस बॉल क्रिकेटमध्ये देखील खूप चांगला खेळ केलास. पण आता धर्मवीर आनंद दिघे चषक खेळत असताना ओपन हाफमध्ये या खुल्या गटातील सामने खेळत असताना एक संधी मिळते ॲज अ कॅप्टन म्हणून, तर काय वाटतंय आणि काय सांगशील या स्पर्धेबद्दल? गेले 4 वर्ष आमची टीम खेळते गर्जना 11. धन्यवाद बोलतो दादांचं आमच्या टीमला संधी देतात. काय नाही, बेसिक क्रिकेट खेळेल असं काय नाही, क्रिकेट हार जीत होत राहते, नॅचरल क्रिकेट खेळेल एवढंच. आणि आज स्क्वॉडमध्ये कुठले कुठले खेळाडू असतील तुमच्या? जास्त कोण नाही, नवी मुंबईचेच घेतलेत, बाहेरचे कोण ओपन प्लेअर नाही घेतलेत, आपले नवी मुंबईचेच खेळणार आहे साईड. परी 11 तळवी टीमचे कॅप्टन सूरज केणे, मॅन फ्रॉम गुरसई. गुरसई टीम जी ग्रामीण क्रिकेटमधील अव्वल दर्जाचा संघ आहे त्या टीमचा एक शिलेदार आहे आणि सिल्वर स्टार तारिक भाई सय्यद यांचा संघ देखील आहे. टॉस जिंकला असता तर तुझा निर्णय काय असला असता? फिल्डिंग केली असती. आता बॅटिंग करायची आहे, किती धावा अपेक्षित असतील? असं काही ठरवलं नाही, पण जेवढ्या जास्त रन्स करता येतील तेवढ्या चांगला आहे, कारण की ग्राउंड चांगला आहे, ते स्कोर चेस होऊ शकतो. कुठले कुठले खेळाडू पाहायला मिळतील आज तुमच्या टीममध्ये? आहेत बिलाल शेख, भावेश पवार, सर्व संघ चांगला आहे, खेळायला मजा येईल. विश यू ऑल द बेस्ट बोथ ऑफ यू. दोघांनाही खूप खूप शुभेच्छा, मान्यवरांचा देखील मनपूर्वक आभार. न्यूज फ्रॉम द सेंटर. टॉस झालाय, परी 11 तळवली टीम वर्सेस गर्जना 11 कोपरकडे असा सामना आहे आणि गर्जना 11 कोपरकडे टीम मयूर पन्नाळकरने टॉस जिंकलाय आणि निर्णय घेतलाय की आम्ही फिल्डिंग करू. एकीकडे तारिक भाई सय्यद यांचा संघ म्हणजे सिल्वर स्टार्स, परी 11 तळवली, त्याच्या विरोधामध्ये नवी मुंबई टेनिस बॉल क्रिकेटचे ग्रामीण खेळाडू गर्जना 11 कोपरकडे. एक चांगली फाईट पाहायला मिळेल. चालू असलेला सामना देखील तितकाच दर्जेदार आहे. आपण पाहतोय स्वर्गीय धर्मवीर आनंदिघे चषक 2023 आहे, दमदार आयोजन. ओर टू कॉमेंटरी बॉक्स. धन्यवाद. थँक्स सो मच विघ्नेश, आणि धन्यवाद आमचे सहयोगी बंधू आदरणीय रवींद्र वेट्टा यांनी धावती भेट दिली आणि या स्पर्धेमध्ये आमचा सन्मान केल्याबद्दल मी प्रमुख आयोजक प्रवीणजी कालुना मांत्रेच्या वतीने तुमचं आभार व्यक्त करतो. थँक्स सो मच रवींद्र वेट्टा. चेक त्याच दरम्यान गर्जना 11 कोपरखेणे टीमचे कॅप्टन मयूर पन्हाळकर कृपया आमच्या कॉमेंट्री बॉक्सशी संपर्क साधा. बहात्तर धावा, जी अपेक्षा विकी मुंबईकर गेल्यानंतर अंधुक झाली होती त्याला प्रकाश देण्याचं, त्याला लाईट देण्याचं, त्याला जिवंत करण्याचं काम अतिशय जबरदस्त अमलेशने केलं. लाजबाब ओळीने 3 षटकार आणि धावसंख्या 72 वर. टार्गेट सेट आहे 73. 73 ला उत्तर देण्यासाठी संकेत मोरे आणि त्या समेत आहे संदीप मोरे. हे मोरे बंधू आहेत, मोरे बंधू काय करतील 73 धावांना, जशा तसं कसं उत्तर देईल ते ऐकण्यासाठी जाऊया आमच्या कोम बॉक्समध्ये. तर ग्रेट हिंदी इटली ही आवाज आरजे आणि आमचे परम मित्र प्रदीपजी विचारे. हॅलो, बहुत बहुत शुक्रिया सँडी. खेल की तरफ रुख करते हैं. अजिंक्य 11 जावली ने अपने यहां पे लक्ष्य है उनके सामने 73 रनों का. नया ओवर प्रारंभ करते हुए गेंदबाज अमरीश यादव बाया हाथ से ओवर द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं और उनके सामने बल्लेबाज संकेत मोरे. पहली गेंद काफ़ी अच्छी गेंद थी, गुडलैंड पे टप्पा खाने के बाद सब मरीन डिलीवरी नीची रहती हुई गेंद और स्क्वेयर ऑन खेलने का प्रयास किया था बल्लेबाज संकेत मोरे ने. गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हो पाया. इस ओवर की अगली गेंद दैनात से ओवर द विकेट. इस बार ये गेंद ओवर पिच गेंद थी और इस गेंद को हवा में खेला है और लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र से कोई गलती नहीं की, थोड़ा सा लॉन्ग ऑफ वाइडिश रखा हुआ था और मोहन दीक्षित ने यहाँ पे ये कैच लपक लिया और इस तरीके से यहाँ पे ये विकेट का पतन हुआ. पहले ही ओवर में दूसरी गेंद के ऊपर यहाँ पे आउट हो गए बल्लेबाज संकेत मोरे. बिल्कुल स्कोर का अंबार यहाँ पे खड़ा किया है अगर बल्लेबाजी की बात छेड़ी जाए तो अर्जुन 11 टाइगर ने. और पहले ओवर के पावर प्ले के दूसरी गेंद के ऊपर सफलता यहाँ पे प्राप्त की है बाएं हाथ के गेंदबाज अमरीश यादव ने और इस तरीके से पहला झटका यहां पे पहुंचा है शून्य के कुल योग पे लक्ष्य का पीछा करते हुए अजिंक्य 11 जावली टीम को. आइए डीजे.
बाजी करने के लिए एम्पायर से गार्ड ले रहे, विकेट कीपर काफी दूर खड़े हैं विकेटों से, एक फ्लाई स्लिप, एक गली, एक बैकवर्ड पॉइंट, एक कवर, एक वाइडिश लॉन्ग ऑफ, यह ऑफसाइड का सिचुएशन, ऑन साइड में एक शॉर्ट फाइन लेग, बैकवर्ड स्क्वायर लेग, डीप मिड विकेट और एक मिड ऑन बिल्कुल स्टंप के सेंध में रखा हुआ। इस ओवर की अगली गेंद, इस बार ये गेंद आने का इंतजार किया, स्क्वायर कट करना चाहते थे, ठीक तरह से गेंद को बल्ले के बीचों बीच नहीं ले पाए, गेंद गई मोटा सिरा लेते हुए पहले स्लिप के क्षेत्र में, वहां पे क्षेत्ररक्षक बिल्कुल चौकन में थे, उन्होंने सीधा निशाना लगाने का प्रयास किया था स्टंप के ऊपर, लेकिन निशाना वहां पे गलत रहा और एक रन दौड़ के अर्जित किया दोनों बल्लेबाजों ने, अपने अपने छोर यहां पे बदले। अब स्ट्राइक में जा रहे बल्लेबाज संदीप, अमरीश यादव बाएं हाथ से ओवर द विकेट, पिच के कोने से की हुई गेंद थी, इस बार गेंद को स्क्वायर कट कर दिया, डीप बैकवर्ड पॉइंट, बाउंड्री लाइन की तरफ गेंद जा रही है और यह चार रन। बहुत ही खूबसूरती के साथ गेंद को निकाल दिया था, गेंद टप्पा खाने के बाद थोड़ी ऊपर की तरफ आई थी, बैकफुट पे गए, स्ट्रोक के लिए जगह बनाई और गेंद को ड्राइव कर दिया था डीप पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर, चार रन के लिए। सैंडी प्रदीप, फक्त अकलमंदीचा उपयोग ना जोरदार, फक्त कलाई, जस्ट कन्वर्ट टू द नॉट पॉवर, परफेक्टली सोच बघा, टर्न झाला होता बॉल, बॅकफुट वगैरेला आणि हॉरिझॉन्टल बॅटर में फक्त दिशा दिली, सुपर्ब स्ट्रोक बाय संदीप। बिलकुल सँडी, भूतपूर्व भारतीय स्टार खिलाड़ी गुंडप्पा विश्वनाथ सर का यह पसंदीदा स्ट्रोक था और वही खेला यहाँ पे। इस ओवर की अगली गेंद, इस बार बहुत अच्छी गेंद, अपने जगह पे खड़े खड़े खेलने का प्रयास किया था लेकिन गेंद पिच होने के बाद काफी ज्यादा बाहर की तरफ चली गई स्विंग होते हुए, विकेट कीपर को थोड़े अपने दाहिनी तरफ झुक के गेंद को गैदर करना पड़ा, दस्ताने पहने विकेट के पीछे, विकेट कीपर ने उनके दस्तानों में चली गई गेंद, गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हो पाया, वाइड गेंद थी, कुल स्कोर है 6 रन। अजिंक्य 11 जावली की टीम लक्ष्य का पीछा यहां पे कर रही है, ये गेंद फुलर लेंथ की गेंद थी और इस बार वाइडिश लॉन्ग ऑफ रिजर में गेंद को खेला और एक रन दौड़ के अर्जित किया है दोनों बल्लेबाजों ने, अपने अपने छोर यहां पे बदले, इस एक रन के साथ कुल स्कोर में वृद्धि हुई है, कुल स्कोर है 7 रन, एक विकेट का पतन हुआ है, पहला ओवर पावर प्ले का प्रगति पे है और गेंदबाजी कर रहे अमरीश यादव और उनके सामने इस बार बल्लेबाज सूर्यकांत जो कि एक के कुल योग पे बल्लेबाजी कर रहे हैं, बाएं हाथ से ओवर द विकेट, 10-12 कदमों का बॉलिंग रन अप, इस बार ये लेंथ गेंद थी, बैकफुट पे गए और गेंद को आड़े बल्ले से खेला था, मिड विकेट रिजर्व में गेंद गई है, उस ओर प्रोटेक्शन है, वहां के क्षेत्ररक्षक गेंद को रोका और एक रन से नहीं रोक पाए, ओवर की समाप्ति हुई, एक ओवर के समाप्ति के बाद पहला ओवर पावर प्ले का यहां पे समाप्त हुआ है, एक ओवर के समाप्त के बाद कुल स्कोर है 8 रन, एक विकेट का पतन हुआ है सैंडी, जबकि लक्ष्य है 73 रनों का, मंजिल है 73 रनों की, जीत है 73 रनों की, क्या बोलना चाहोगे? शुरुआत प्रदीप ज्या प्रमाणे पहिले इनिंग मध्ये आपण पाहिलं होते निलेशच्या त्या ओव्हर मध्ये फक्त 7 धावा, इथे 8 आहेत, परंतु ज्या प्रमाणे मिडल बॅट्समनला येताना याच क्रमांकावर मयूर दातिलकर आलं होतं, त्याने 2 ओव्हर वाट पाहिल्यानंतर वाट लावायला सुरुवात केली होती, तसं सूर्यकांतच्या बाबतीत म्हणता येईल, एक फलंदाज बांध झाले पण तीच भूमिका तो निभावू शकतो। बिल्कुल सैंडी, पिच के तासीर को यहाँ पे बल्लेबाजों को पहचानना होगा और उसके बाद ही बल्लेबाज बड़े बड़े स्ट्रोक यहाँ पे खेलते हैं, यह हमने हमेशा ही देखा है, देखते हैं किस तरीके की बल्लेबाजी यहाँ पे साझेदारी करने में यहाँ पे सफल हो पाते हैं ये दोनों भी बल्लेबाज संदीप और सूर्यकांत की जोड़ी मैदान के बीच में। हालांकि संदीप ने एक चौके के सहायता से वो 5 के कुल योग पे बल्लेबाजी कर रहे, दूर वाले छोर से यानी कि गाँव वाले छोर से गेंदबाजी अक्रम जारी रखने के लिए विजय पवार यहां पे आए, ऑन ड्राइव किया है और गेंद जा रही है वाइडिश लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर और यह 4 रन। क्या खूबसूरत स्ट्रोक खेला था, अंदर आती हुई गेंद थी, बैकफुट पे गए और पूरा जो अपना संतुलन है बॉडी का वो पिछले कदम पे लिया और गेंद को निकाल दिया था वाइडिश लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। गेंद अंदर मत फेंके मैदान के अंदर, मेरी आपसे गुजारिश है जो कोई भी बच्चे यहां पे खेल रहे, सर आपल्या मागे बॉल है तो जरा टाका इकडे प्लीज, नितेश पाटील प्लीज आत चेंडू टाकू नका प्लीज, आपणास विनंती है। तो इन 4 रनों के साथ स्कोर में वृद्धि हुई है, कुल स्कोर है 12 रन। विजय पवार गेंदबाजी कर रहे और उनके सामने है बल्लेबाज सूर्यकांत, सूर्यकांत और संदीप की जोड़ी यहां पे जमती हुई नजर आ रही है, 73 रनों का लक्ष्य है, 73 रनों की जीत है,
देखते हैं क्या कुछ होता है। बहुत ही उमदा क्रिकेट का मुकाबला यहाँ पे शुरू है, जिसके आयोजक है आदरणीय प्रवीण कालूराम मात्रे जी। इस वर्ष ये जो वर्ष है ये 23वां वर्ष है इस प्रतियोगिता का, स्वर्गीय धर्मवीर आनंद दिगे चषक, और प्रति वर्ष कुछ ना कुछ नया दिया है टेनिस क्रिकेट के लिए आदरणीय प्रवीण कालूराम मात्रे जी ने, इसमें कोई दोहराई नहीं है। विजय पवार ये लेंथ गेंद थी, इस बार ऑन ड्राइव किया, बिल्कुल कारपेट गेंद जा रही है लॉन्ग ऑन रीजन में, वहां के क्षेत्ररक्षक गेंद को रोका और एक रन से नहीं रोक पाए। दोनों बल्लेबाजों ने अपने अपने छोर यहां पे बदले। इस एक रन के साथ कुल स्कोर है 13 रन, जबकि ये दूसरा ओवर पावर प्ले का यहां पे प्रगति पे। विजय पवार गेंदबाजी कर रहे हैं और उनके सामने इस बार बल्लेबाज संदीप, जो कि 5 के कुल योग पे बल्लेबाजी कर रहे हैं एक चौके की सहायता से। ये गेंद इस बार काफी ज्यादा बाहर, पिच होने के बाद और ज्यादा बाहर की तरफ जाती हुई, और एम्पायर कोहली सर के जहन में कोई संदेह नहीं था इस गेंद को वाइट करार देने में, और इस तरीके से एक रन अतिरिक्त खाते में कुल स्कोर में वृद्धि हुई है। कुल स्कोर है 13 रन। अजिंक्य 11 जावली की टीम यहां पे लक्ष्य का पीछा कर रही है। फिर एक बार ये दूसरी गेंद, लगातार 2 गेंदे वाइट फेंकी है यहां पे गेंदबाज विजय पवार ने, अपने लाइन और दिशा से भटकते हुए नजर आ रहे हैं यहां पे विजय पवार, दूर वाले छोर से यानी कि गांव वाले छोर से गेंदबाजी कर रहे हैं। कुल स्कोर है 15 रन। और इस बार ये वाइट के हैट्रिक मुकम्मल किए है सैंडी। इस इनिंग में 3 वाइट, पहले इनिंग में 3 वाइट। कुल स्कोर है 16 रन 1 विकेट के पतन के बाद। अपने फॉलर थ्रू से कुछ परेशान नजर आ रहे हैं यहाँ पे विजय पवार, देखते नए इरादे के साथ यहाँ पे गेंदबाजी करने के लिए तैयार हो रहे हैं। अपने साथी खिलाड़ियों से कुछ सलाह मशवरा उन्होंने किया, 2-3 कदमों को उनका बॉलिंग रन। इस बार ये गेंद ऑफ स्टंप पे टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी बाहर की तरफ निकलती हुई, आउट स्विंग होती हुई गेंद, अपने जगह पे खड़े खड़े खेलना चाहते थे संदीप गेंद, संदीप गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हो पाया, बाकी का तमाम काम विकेट के पीछे विकेट कीपर ने किया। फिर एक बार उसी तरीके की उसी दिशा में फेंकी हुई गेंद और यहां पे आउट हो गए बल्लेबाज, स्टंप आउट हो गए, वापस जा रहे पैवेलियन की तरफ। विकेट कीपर ने अच्छी मुस्तैदी बताई और इस तरीके से ये दूसरा झटका पहुंचा है यहां पे टीम अजिंक्य 11 जावली टीम को। सैंडी लगातार वाइड गेंदे फेंक रहे थे, अपने पॉपिन क्रीज से थोड़े से बाहर की तरफ गए थे यहाँ पे बल्लेबाज संदीप, और विकेटकीपर ने अच्छी मुस्तैदी बताई और उनको रन आउट कर दिया। सैंडी नक्कीच प्रदीप, लगातार 3 वाइट टाकल्यानंतर एक तो सल्ला दिला ना, सल्ला किती प्रॉपर असतं पहा, सल्ला दिल्यानंतर त्याने अपसाईडला जो पिचिंग होते त्याला जस्ट मिडल स्टंपला आणला, मिडल स्टंपला हलकीशी ती निघणारी आउट स्विंग त्यामध्ये त्याला बदल केला, हे बदल महत्वपूर्ण आहे सर, सल्ला देणार प्रॉपर असला ना ते असं होतं, गुड अडवाईस। बिलकुल उनकी हौसला अफजाई की थी उनके साथी खिलाड़ियों ने, लगातार 3 गेंदे वाइड फेंकने के बाद अब उन्होंने अपनी लाइन और दिशा में यहाँ पे सुधार किया है। विजय पवार यहां पे गेंदबाजी कर रहे, पहले गेंद के ऊपर चौका खाया था, उसके बाद 1 रन खर्च किया, उसके बाद 1 गेंद बिंदी और उसके बाद 3 गेंदे लगातार उन्होंने वाइड फेंकी थी। अभी भी 2 गेंदे आनी शेष है इस दूसरे पावर प्ले के ओवर की। विकेटकीपर के अलावा देखिए एक फ्लाई स्लिप रखी हुई है, एक गली, एक बैकवर्ड पॉइंट, एक मिड ऑफ, एक स्वीपर कवर यहाँ पे लगाया हुआ है काफी दूर की तरफ। ऑन साइड में देखिए किस तरीके का क्षेत्ररक्षण है, एक शॉट फाइन लेग दायरे के अंदर, एक बैकवर्ड स्क्वायर लेग दायरे के अंदर और मिड ऑन बिल्कुल स्टंप के सेंध में दायरे के अंदर की तरफ। इस बार फिर एक बार ये बहुत उमदा गेंद, ऑफ स्टंप पे टप्पा खाने के बाद काटा बदलती हुई गेंद, कुछ भी समझ में नहीं आई, नहीं आए हुए बल्लेबाज अक्षय शेलार की। ओवर की समाप्ति हुई, 2 ओवरों के समाप्ति के बाद कुल स्कोर है 16 रन अजिंक्य 11 टाइगर टीम का, जबकि 2 विकेटों का उनका पतन हुआ है। और जैसे यहां पे तीसरा ओवर प्रगति पे हो, इस गांव की एक बहुत ही उमदा आवाज सदाबहार क्रिकेट कॉमेंटेटर संतोष मात्रे, आइए आगे का विवरण मराठी में सुनाने के लिए। चेक टेस्ट दरम्यान अर्जुन 11 टाइगर संघ या मैदानामध्ये खेळतोय, त्यांचे संघ मालक आपण जर पाहिले तर डॉक्टर संदीप जोशी
पाऊशे यांचा देखील संघ आहे आणि त्याचबरोबर अर्जुन इलेवन टायगर टीमच्या नेहमीच बरोबर असणारे आमचे परम मित्र दीपेश गीत यांचं देखील आगमन झालं. त्यांचं देखील धर्मवीर आनंदिगे चषक 2023 या दमदार क्रिकेटच्या सोहळ्यामध्ये हार्दिक स्वागत आहे. त्याच दरम्यान या मुख्य व्यासपीठावर आदरणीय श्री किशोर विचारे साहेब उपस्थित आहेत. उपजिल्हा प्रमुख त्यांचा देखील शुभ सन्मान या स्पर्धेच्या निमित्ताने केला जाईल. मी विद्यानंद भाऊ यांना विनंती करतो की आपल्या शुभ हस्ते आपण हा सन्मान करावा. आदरणीय किशोरजी विचारे साहेब यांचा यथोचित सन्मान या स्पर्धेच्या निमित्ताने केला जातोय. त्यांच्या समवेत आपण जर पाहिलं तर श्री रावसाहेब जाधव साहेब उपस्थित आहेत, विभाग प्रमुख आहेत आणि त्यांचा देखील शुभ सन्मान. त्यांच्याच शुभ हस्ते आपण टॉस देखील पाहिला होता आणि या दोन्ही मान्यवरांच्या शुभ हस्ते त्यांचा देखील शुभ सन्मान या स्पर्धेच्या निमित्ताने केला जातोय. पुन्हा एकदा आपलं सर्वांचं हार्दिक स्वागत आहे. धर्मवीर आनंदिगे चषक 2023 22 वा पर्व जाऊया. कॉमेंट्री बॉक्समध्ये ऐकूया या मॅचचं विवरण. धन्यवाद. पहिला चेंडू त्याला कट केले आणि इथे मात्र मस्त दस्तक देऊन चेंडू सरळ फॅन्स मध्ये चार रन. फटके पाडा मयूर दातीलकरने केली होती, तीच भूमिका वटवतोय बॅट्समन. मॅन फॉर मॉकने बॅटची कडा डेफिनेटली लागली होती, चूक झाली विकेटच्या पाठीमागे. ड्रॉप द कॅच वाकलन. केतन असो किरण असो त्यांच्या मांदेल्यामध्ये घडलेला हा बॉलर आहे उद्देश पाटील. व्हेरी स्ट्रॉंग टीम वाकलन. त्या टीममध्ये त्या केतनच्या टीममध्ये त्या किरणच्या टीममध्ये हा घडलाय. लेफ्ट हँड रम द विकेट फुल टॉस प्रॉपरली बॅटवर मिडल गेलाय आणि काहू खोंडला क्लिअर करताना सरळ भेट दिली हा प्रेक्षकांच्या. नॉट दोन हात, एक हाताने पकडलं तर हेडफोन. मित्रा थोडी चूक झाली पण अजून येतील. चरण चांगले क्रिकेट बोलिंग मान पर उद्देश पाटील कमजिंग बोल लेफ्ट राउंड विकेट गेटच्या ऑप्शनच्या बाहेर आला. पहिल्यांदा तुम्ही कमेंट केलं दिशा दिली स्वेल प्रोटेक्शन करता क्षेत्रक्षण फील्ड करेल तोपर्यंत आरामात सिंगल घेतली. नाव स्ट्राईक रोटेट वन सेकंड कीप टू द सूर्यकांत. दोन चौकार आले बॅटमधून एक षटकार आलाय. मॅरेथॉन इनिंग जसं खेळला होता 10 चेंडूमध्ये 25 धावा मयूर दातीकल दातीलकर तसंच खेळताना सूर्यकांत प्रॉपरली बॅटिंग. तिसरं प्रगतीपथावर बोलिंग मार्क पर उद्देश दर्जाचा चेंडू अगेन्स्ट टू द स्विंग नॉट स्विंग द फिनिश प्रॉपरली जेल दिवाले गावचा हा ब्रँड. पुन्हा एकदा विकी विकी मुंबईकर सुपर्ब कॅच अँड एंड ऑफ द जो सतावत होता ज्याची खेळी ती विकेट मिळवणं अतिशय महत्वपूर्ण होतं अर्जुन इलेव्हन टायगरला. अखेरकार ती विकेट मात्र मिळाली. सूर्यकांत बॅक इन टू द पेवेलियन इज गॉन. विजय स्लो मोशन मध्ये पाहिलं तर शॉर्टम या चेंडूला इन कट केलं जस्ट लाईक द स्विंगिंग यॉर्कचा बेतात बादशाह वसीम अक्रम. व्हेरी डिफिकल्ट टू द प्ले राईट बॅट्समन टू द बॉलर ऑफ द लेफ्ट हँड राऊंड द विकेट. खूप अवघड असतं. आपण पाहिलं होतं जम बसले जोडी 19 तो इतिहास 92 तो वर्ल्ड कप पाकिस्तान ते दोन चेंडू नसते ना प्रदीप तर कदाचित वर्ल्ड कप जिंकणं मुश्किल होतं पाकिस्तानसाठी. स्विंगिंग यॉर्क वसीम अक्रम. सैंडी गेंदबाजी में जितना लंबे ऊंचे कदकाठी का गेंदबाज होता है और उनकी गेंद जब ऊपर से नीचे की तरफ आती है उसको खेलना इतना आसान नहीं होता है. हमने कई बार
क्रिकेट के मैदान में देखा है, चाहे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट हो या फिर राष्ट्रीय क्रिकेट हो। देखिए ऊपर से अगर कोई आसमान की तरफ जाएगा, हवाई जहाज में उड़ रहा है और ऊपर से उसने अगर कोई सामान फेंका तो वो काफी तेजी के साथ नीचे आता है, लेकिन नीचे से ऊपर गेंद फेंकने में काफी जोर लगता है। उसी तरीके से गेंदबाजी का है सैंडी, जब ऊंचे लंबे कदकाठी के गेंदबाज होते हैं उनकी जब गेंद ऊपर से नीचे की तरफ आती है उसको खेलना इतना आसान नहीं होता है सैंडी। यस, न्यूटन ने तो नियम सांगितले झपाट्याने खाली हा वर गेले खूप वेगाने येते ते वेगाने वसीम अक्रम तो 6 फीटच्या वर, त्याच्यानंतर त्याचा तो हात मग जवळजवळ 8 फीटने दॅट इज द फ्लाईट करणं व्हेरी डिफिकल्ट। और वो तब काफ़ी नौजवान थे और काफ़ी तेज तर्रार गेंदबाजी करते थे वसीम अकरम की आपने बात छेड़ी है, तो बहुत ही उमदा गेंदबाज थे इसमें कोई संदेह नहीं है, इसीलिए न्यूजीलैंड के उन्होंने तुरंत विकेट गिरा दिए थे सैंडी सेमीफाइनल के 1982 के मुकाबले में। अतिशय जबरदस्त, कारण स्पर्धेतून बाहेर होणं होतं पाकिस्तान आणि काय फक्त गावस्करची ती कमेंटमेंट एकमेव होती, त्यातील सन्मानाने सुनील गावस्करला आमंत्रण दिलं होतं पाकिस्तानमध्ये। खेळ इथे 12 चेंडूचा खेळ बाकी आहे, 12 मध्ये जिंकण्यासाठी आता मात्र अजिंक्य जावळीला 45 धावा, 2-3 फटके आहे ना मॅच मध्ये निश्चित आणू शकतात, आणि त्यासाठी आल्या क्रमांक 5 वरती विलास पाटील। विकास सकपाल आलेला आहे, विलास सकपाल 12 चेंडू आणि जिंकण्यासाठी 45 धावांची आवश्यकता। बॉलिंग मार्कवर गाव एंडकडून क्विक बॅट कम्प्लिटली मिस्ड बॉल, लाईन मिस केली, बॅट अगोदर चालते तो टायमिंग असतो ना यासाठी महत्त्वपूर्ण असतो, बॅट अगोदर त्याच्या चेंडू येणार कम्प्लिटली मिस, गोल पुन्हा हिस्टरिकच्या हातामध्ये, डॉट 11 मध्ये आता जिंकण्यासाठी 45 शॉट, थर्ड मॅन शॉट फाईंड अँड बॅकवर्ड शॉट पॉईंट, बॉलर बॅक टू ड्राईव्ह ऑफ ड्राईव्ह केलं लाजबाब, परंतु थेट मात्र डीप मध्ये जो क्षेत्ररक्षण आहे लॉंग ऑफच्या त्याच्या हातामध्ये सिंगल मिळते, आता मात्र स्ट्राईक जाईल अक्षयचे सिंगल आणि आता मात्र विलास ऑन द स्ट्राईक। 10 चेंडूचा खेळ बाकी आणि जामध्ये 44 अवे फ्रॉम द बॉडी, उंच उडाला झेल, नो मॅन लँड मध्ये जसा टप्पा पडेल, सिंगल घेतली आणि सिंगलचं रूपांतर 2 मध्ये, लाजबाब तालमेल, गुड रनिंग बिटवीन द विकेट विलास अँड अक्षय, 2 धाव मात्र खातं खोलताना विलास, 2 धावसंख्या बढोतरी दिली अजिंक्य जावळे टीमला, 3 गडी बाद 31 धावा, लक्ष आहे 73, थोडं दूर होत चालले, या दूर लक्षानं तर फ्लाईटने मात्र उडणं नेहमीच महत्त्वपूर्ण असतं। पुन्हा एकदा बॅटची कडा स्लाइसने घेतली होती, बॅकवर्ड पॉईंटच्या ठिकाणी क्षेत्ररक्षण आहे, यामध्ये खेळ जर चालू राहिला ना प्रदीप तर फक्त अंतर किती अंतर आपण मात खाणार, जर उडायचं असेल एक नवीन जिवंतपणा असेल आणि प्रेक्षकांच्या ताहीतपणाचा असेल तर टक द टकाटक दमदार टोळेजंग षटकारांची आवश्यकता। येस, टाक आवाज आलाय, परंतु मैदानाच्या आतमध्ये क्षेत्ररक्षण जळाच्या खाली, खेळी झाली मात्र इथे समाप्त। कुणाल तारेकर लाजबाब जळाच्या खाली आणि इथे मात्र फलंदाज बॅट डीजे धर्मविचषक मध्ये पुन्हा आपला सर्वांचं सहर्ष स्वागत आहे। आता मात्र थोडस लक्ष कठीण होत चाललेलं आहे, बॉलिंग मार्कर ऑन द अप द राईज, बॉलर बॅक टू ड्राईव्ह, दूरवरून लॉंग ऑफ क्षेत्ररक्षण येईल, फील करेल, सिंगल घेतली, दुसरी मांग निश्चित केली होती नॉनस्ट्राईकला येताना, परंतु फक्त सिंगलवरती समाधान आलेला फलंदा संदीप खातो करते 1 ने आणि इथे धावा लागतात 33, 4 ओव्हरची समाप्ती झाली प्रदीप आणि धावा आहेत केवळ 33, इथून बनवायच्या तुम्हाला 40, लक्ष कठीण आहे पण क्रिकेट आहे काय होऊ शकतं, 6 गेंदे 40 रन। सैंडी विजय पवार देखिए दूसरा ओवर जिन्होंने पावर प्ले का फेंका था, लगातार 3 गेंदे वाइड फेंकी थी, लेकिन चौथा ओवर देखिए उनका जिसमें उन्होंने सिर्फ 5 रन खर्च किए और 1 सफलता उन्होंने प्राप्त की, और देखिए उनकी लगातार कोशिश यही रही है कि ऑफ स्टंप और ऑफ स्टंप के इर्द गिर्द गेंदबाजी की जाए, इसीलिए जब वे उनको दूसरा ओवर फेंकने का अवसर दिया गया था, पावर प्ले का ओवर जब उन्होंने फेंका था लगातार वाइड गेंदें इसीलिए जा रही थी सैंडी, क्योंकि उनके जहन में एक ही बात थी कि गेंद को किसी भी तरीके से लेग स्टंप पे नहीं फेंकना है, गेंद को ऑफ स्टंप और ऑफ स्टंप के इर्द गिर्द रखना है।
सुपर कमबैक मी म्हणेन. सल्ला देणारा चांगला असेल ना प्रदीप, तर महाभारतामध्ये श्रीकृष्णाने दिला होता अर्जुन, हे इतिहास घडवतात. तसं मध्ये कमबॅक प्रॉपरली सल्ला ऐकला आपल्या सहकार्याचा आणि कमबॅक करताना मॅचमध्ये जान आणली. नाव व्हेरी स्ट्रॉंग पोझिशन अर्जुन एलिबन डायगर, 6 गेंदे 40 रन. लेफ्ट हँड ओवर द गेट सुपर्ब, अतिशय दर्जेदार चेंडू. पिचिंग द लॉफ स्टंप स्लाइटली नॅचरल आउटस्विंग, द गिवन द गिफ्ट ऑफ द गॉड अँड बॉल वेंट टू द वन सेकंड टू द विकेट कीपर. डॉट बॉल, डॉटने सुरुवात केली अमर माने. चांगला गोलंदाज आहे, 77 आहे मैदानाची. इथे गॅप आहे, गॅप भरून काढताना दूरवरून डीप एक्स्ट्रा कवरून वाईट इश लॉंगापला जोपर्यंत जे पी एल जयेश पाटील मॅन फ्रॉम ऐरोली. फक्त सिंगल. आता मात्र खूप लांब राहत चाललेला मॅच. क्लिअर झाल्या मॅच मेमणे, थोडी चूक केली तर मागात पडेल. 4 चेंडू आणि आता मात्र 39. 4 चेंडू 39, पुन्हा एकदा बीट केलाय. दूर होत चला, एकदम मजबूत स्थितीमध्ये अर्जुन एलिबन टायगर. परंतु क्रिकेट आहे, बाकीकडे मूर्खपण बिकाऊ. क्रिकेट इज अ ग्लोरियसली अनसर्टनली गेम ऑफ चान्स. 3 चेंडू आणि 39. लेफ्ट हँड ओवर द विकेट, अवे फ्रॉम द बॉडी, फुलेन द चेंडू लॉप केलाय. सिली मिड ऑफ शॉट एक्स्ट्रा कवर जाईल आणि झेल केले सॉफ्ट डिसमिसल. अनदर विकेट टू द अर्जुन एलिबन टायगर, बॅक टू द पवेलियन बॅट्समन व्हेरी चीपली. फक्त धावा आहे 34. एक वेळ वाटलं होतं थोडा प्रतिकार करेल, कारण सुरुवात असं होतं जोपर्यंत टर्निंग पॉईंट ऑफ द मॅच काय असेल प्रदीप, तर सुरेखांची ती खेळी. सुरेखांत जम बसलेला सेटल बॅट्समन होता, ती विकेट मत पण नव्हती होती. ती विकेट जशी म्हणाले पूर्णपणे बॅकफुटवर. बिलकुल सँडी, जैसे ही सूर्यकांत का विकेट यहाँ पे पट्टन हुआ है विकेट का, वैसे ही यहाँ पे चरमरा गई है पारी. अगर देखा जाए तो बिल्कुल एक तरफा मुकाबला यहाँ पे नज़र आया. किसी भी तरीके से किसी भी बल्लेबाज ने यहाँ पे टीक के बल्लेबाजी नहीं की या फिर आकर्षक स्ट्रोक उन्होंने नहीं खेले, इसीलिए यह हार यहाँ पे नज़र आ रही है उनकी सैंडी. डेफिनेटली 100% खरं आहे, करण आलं सातवर, परंतु मॅचची हवा जवळजवळ काढून घेतली बॉलरने. सटीक सुपरबली कॅप्टनशिप, व्हेरी वेल बाय डायगर इलेव्हन अर्जुन. 2 चेंडू आणि 39, फुलेन ते चेंडू ड्राईव्ह केले काऊ कॉर्नरच्या, क्लिअर करताना चेंडू गेला सरळ प्रेक्षकांच्या भेटीला. 4 रन. जेव्हा मी कारकिर्दीला सुरुवात केली आतापर्यंत जेव्हा जेव्हा बोलतो, पण 1 चेंडू 35 नेवा. मिस टायमिंग स्ट्रोक मैदानाच्या 38 आत मध्ये स्वतः गोलंदाज जातो आणि पकडतो जेल हा अमर मायांच्या खात्यावर आणखी एक झटका. इथे मॅच फिनिश केली, थोडंसं निराश गर्तेत मध्ये घेऊन गेले प्रेक्षकांना. वन साईड मॅच जिंकले इथे अर्जुन एलिबन डायगर. अभिनंदन अर्जुन एलिबन डायगर आणि हार्ड लक बॅड लक अर्जुन अवली. 34 धावाने मात, आतापर्यंत कालपासून एवढ्या फरकाने कोणतीच संघाने मात्र हात पत्करलेली नव्हती. पण क्रिकेट आहे, हे एखादा दिवस आपला जर वाईट असेल तर या प्रकारचे आकडे आपल्या विरुद्ध येतात. नाव टाइम फॉर टू डिक्लेअर प्लेअर ऑफ द मॅच, नन ऑफ अदर. ज्या बॉलरने लगातार 3 वाईडने गोलंदाजाचे विश्लेषण स्वतः मात्र खराब केलं होतं, सल्ला दिला आणि सामन्यामध्ये ज्याने खऱ्या अर्थाने जान आणली,